and there is a person who must money. वेलकम बैक टू माई चैनल. सो यहाँ से मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. मैं जनरली जो व्लॉग शूट करती हूँ तो मैं दिन से स्टार्ट करती हूँ या फिर मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, बट आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 9:30 बजे से. तो इसका एक स्पेशल रीज़न है. एक्चुअली जनरली तो मैं घर में वही रूटीन वगैरह चलता रहता है, बट कुछ भी अगर थोड़ा सा भी नया कर रही हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि उसको मैं व्लॉग में दिखा देती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो बेसिकली आज मैं क्या करने वाली हूँ, फैशन जैसे डोंट रश चैलेंज हो रहा था, डांस चैलेंज हो रहा था, एक्सरसाइज चैलेंज हो रहा था, वैसे अभी एक फैशन चैलेंज चल रहा है. तो एक और एक डोंट रश चैलेंज जो है वो वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, वो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मेरी वो जो फ्रेंड है उसने फेसबुक पर डाल भी दिया था. अभी जो मैं करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ फैशन चैलेंज. तो उसमें क्या करना होता है कि आपको ड्रेस कैरी करना, वही आपको फटाक से ड्रेस आती जाती है, जैसे ब्रश का नहीं होता था आप ऐसे ऐसे कर रहे हो और ब्रश करके आपका मेकअप चेंज हो जाता है, इसमें आपका ड्रेस करके आपका ड्रेस चेंज हो जाता है, दैट्स इट. तो ये है. तो हम लोगों ये जो भी है यूट्यूबर्स के साथ नहीं कर रही हूँ, ना ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, मतलब फ्रेंड्स वाला सर्कल आप बोल सकते हो, भोपाल के लोग हैं मोस्टली, मेजरली भोपाल वाली पब्लिक है उसमें. तो एक तो मेरी फ्रेंड है, एक टीनू की फ्रेंड है, फिर उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है उसके फ्रेंड है, और ऐसे फ्रेंड्स हैं कुछ, उसमें ब्लॉगर्स भी हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कुछ नॉर्मल हैं. तो ऐसा है, वो हम लोगों का ऐसे पर्सनल वाला है. तो उसके लिए मैं शूट करने वाली हूँ. तो अभी हम लोगों का डिसाइड हुआ है कि उसमें ड्रेस कोड हम लोग ब्लैक पहनने वाले हैं. अब द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास ब्लैक ऐसे तो बहुत सारे टॉप हैं, बट मेरे पास ऐसे ग्लैमरस सा ब्लैक कलर का कुछ ड्रेस नहीं है प्रॉपरली. लिटिल ब्लैक ड्रेस जो होता है, LBD होता है, वो मेरे पास नहीं है. तो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास बट आई हैव ब्लैक कलर का मिनी स्कर्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ मिक्स एंड मैच करके कुछ बना करके पहन के देखती हूँ. अभी मैं वही करने वाली हूँ, उसके लिए मैं रेडी होने वाली हूँ. सो आई थॉट टू शूट इट. और मैं भी इसलिए भी शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने ना हेयर वॉश किया है, और हेयर वॉश करने के बाद जनरली ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि मैं अपने बालों को पूरी तरह से ऐसे बांधू ना, मतलब खुले रखूँ. तो अभी मैंने खुले रखे हुए हैं और कल तक तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि मैं रात में जनरली यहाँ पर क्लिप लगा के सोती हूँ और नीचे भी बाल बांध के सोती हूँ, खोल के नहीं सोती हूँ. तो वो कल तक बालों में वैसा शेप हो जाता है ना, ऐसे चोटी बांधने वाला शेप हो जाता है, वो हो जाएगा. तो इसलिए मैं आज ही शूट करूंगी. जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, मतलब day 1 से, मेरा ये थॉट था कि जो मेरी वार्डरोब है ये पूरी तरह से ना कचरा हो चुकी है, मतलब लिटरली. जबकि इसको मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करती हूँ, बट स्टिल ये हमेशा डिजास्टर हो जाती है थोड़े दिनों में ही, क्योंकि ऑब्वियसली सामान उठाते हैं अंदर रखते उस तरह से नहीं है. तो मैंने लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब से मैं सोच के रखा था थर्ड फेज आ गया लॉकडाउन का, बट अभी तक इसका नंबर नहीं आ पाया क्योंकि बाकी चीज़ों में लगी रहती हूँ मैं. तो एनीवेज लुक व्हाट आई गॉट. तो अभी ना मेरे पास ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं जो मैंने खरीदे थे, बट मैंने यूज़ नहीं करे हुए हैं. किसी ओकेजन का मैं वेट कर रही हूँ कि मैं तब पहनूंगी या फलाना ढिमकाना तब पहनने वाली हूँ. तो अभी देखो, मैं अभी किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, आप बोलोगे मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, बट मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, ये जो लॉकडाउन है या जो ये सिचुएशन है सोशल डिस्टेंसिंग की, ये लंबी जाने वाली है. ठीक है, जो हालात दिख रहे हैं, जो सिचुएशन दिख रही है, वैक्सीन बनने में अभी टाइम है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट ये लंबा जाएगा ऐसा मुझे लगता है. मुझे 200% इस चीज़ पे बिलीव है. तो ठीक है, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, हम जितना हम एक्सेप्ट कर लें, हम उस शॉक सिचुएशन में ना जाएगी, अरे अभी ये बढ़ गया, तो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा. तो अभी मैं उसको भी निकाल रही हूँ घर में पहनने के लिए. फिर उसके बाद मेरा एक जंप सूट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जंप सूट है, उसकी हालत मत देखो अभी तक. मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला जो बैग है, इस बैग में यूजुअली मेरे सारे वाले टॉप है जिनके टैग्स भी नहीं निकले हुए हैं. सो फाइनली आई गॉट दिस स्कर्ट. मुझे इतनी मुश्किल, पता है मैंने कहाँ रख के रखा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट है, मतलब आप देख रहे हैं दिस इज लाइक अ माइक्रो मिनी, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है मुझे. तो यही मुझे चाहिए थी, स्पेसिफिकली मुझे यही चाहिए थी. पता ऐसा तो नहीं, दूसरी स्कर्ट भी है मेरे पास ब्लैक कलर की, बट मुझे यही चाहिए थी. अब मैं आपको दिखाती हूँ फैलारा जो मैंने मचाया है. ये सब कुछ निकाल दिया मैंने, उसके बाद यहाँ सब फैलारा कर दिया है, अब वहाँ सब फैलारा कर दिया है. अब मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैंने इतना सब कुछ मचा दिया है पूरी तरह से, तो ऐसा लग रहा है कि इसको मैं ऑर्गेनाइज कर दूँ. बट अभी बज रहे हैं 10:00 और अभी मैं ऑर्गेनाइज करने बैठूंगी तो मुझे 12 बज जाएगा, तो वो तो मैं नहीं करती हूँ. फटाफट अभी मैं भर देती हूँ और फिर इसको अच्छे से सेग्रीगेट करूँगी.
वजह से साइड में पड़ा रहने चलेगा, मेरे ऊपर आना चाहिए मतलब यहाँ, ठीक है। तो विक्की और हम लोग अभी, मैं बता रही हूँ कि कैसे आना चाहिए, मतलब ऐसे कैच है, ठीक है, ये लो। इधर आया, यहाँ सेंटर में एक कैच ही कर रहे पूरे के नहीं आ रहा है विक्की, बताओ एक कैच नहीं दे पा रहा है मेरे को, लो तो जो कैच वाला था वो वाला पार्ट हो चुका है। अब मैं फटाफट से पहले तो मैं मेकअप करूंगी, उसके बाद मेकअप करने के बाद फिर मैं ड्रेस पहनूंगी, जो मेरे मेकअप के ऊपर सूट हो जाएगी वो पहनूंगी, क्योंकि मेकअप करने में भी ना बहुत ही गर्मी लगती है। तो फटाफट से मैं बिल्कुल क्विक वाला जो मेकअप होता है वो करने वाली हूँ। सो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो आई जस्ट गॉट रेडी, अब मैं फटाफट से ड्रेस चेंज करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। तो मैंने जो भी ड्रेस कैरी किया है वो है ये वाला नेट का टॉप, एंड देन बॉटम में मैंने ये वाली स्कर्ट पहनी हुई है और यहाँ पर इस तरह से बेल्ट लगा लिया है। तो आई डोंट नो इफ दिस बेल्ट लुक्स गुड और नॉट, या मैं इसको हटा, डन शूटिंग विद द वीडियो। हार्डली 10 सेकेंड का वीडियो बनाया है मैंने और उसके लिए इतना ताम झाम, तो ना फुल टाइम पास है ये वाली चीज़ें, मतलब आप जैसे फ्री बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस तरह का आइडिया कुछ कर सकते हैं, फुल ऑन टाइम पास है। विक्की यहाँ पे कपड़ों की घड़ी कर रहा है, क्या कर रहे हो ये कपड़े घड़ी करके ला, तो ऐसे थ्रो कर रहे हो क्या? यस दिस इज न्यू वे, देखो ये बिल्कुल सही जगह गया। हाँ दिख रहा है कितना सही जगह गया। चलो गाइस अब मैं चेंज करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस तो मैं फटाक से फेस वॉश करती हूँ और ये जो मेकअप है ये हटाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस सो आई जस्ट वॉश माय फेस और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर कि मेरा जनरली आपको ये बंद दिखेगा ही दिखेगा, मतलब मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ समर्स में क्योंकि किचन का थोड़ा बहुत काम वाम करना रहता है एंड ऑल, तो बाल खुले इवन पोनी टेल भी मुझे ना वो अपने बॉडी से जब यहाँ पर टच होती है मुझे वो भी बहुत इरिटेशन लगता है, इसलिए मैं अपने पूरे बाल इस तरह से बांध लेती हूँ। तो अभी मैंने अपना नॉर्मल फेस वॉश किया हुआ है एंड आई हैव फ्यू एक्टिव एक्ने, सो आई फ्यू एक्टिव एक्ने लाइक हियर एंड लाइक वन टू हियर एज वेल। तो अभी मेरे को थोड़े थोड़े से एक्टिव एक्नेज आ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ समर की वजह से या पता नहीं किसकी वजह से, बट हो रहा है। उसके लिए आई एम यूजिंग दिस एक्टिव एक्ने जेल, ये है बाय डर्माको AHA BHA, ये बेसिकली मुझे डर्माको की वेबसाइट से आई थी। एंड अगर आपको नहीं पता है डर्माको के बारे में मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। डर्माको जो है वो इस तरह की एक वेबसाइट है जिसमें आपको क्या करना होता है, आपका अपना सेल्फ असेसमेंट, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है एज यू ऑल नो कि अभी की एक सिचुएशन हम ले लेते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है आपको बहुत सारे स्किन में इशूज हो रहे हैं लेकिन आप अभी डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं बिकॉज यू नो सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो आप इसमें अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं। 15 सेकेंड का होता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और 3 आपकी इमेजेस मांगते हैं, फिर वो पूछते हैं कितने तरह कौन सा एक्ने आपको हुआ है, आपको क्या आपके स्किन इशू है, आपको पिगमेंटेशन का इशू है, फाइन लाइंस की इशू है, आपको एजिंग का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको स्किन केयर सजेस्ट करते हैं। तो मेरा बहुत सेंसिटिव स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है और मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे कभी भी एक्ने हो सकता है, तो उसके लिए मुझे एक तो ये जेल सजेस्ट किया गया था, पर मैं ये बिल्कुल एकदम वॉटरी लाइक कंसिस्टेंसी है, जहां पर भी मुझे एक्टिव एक्ने है मैं इसको वहां वहां पर लगा रही हूँ, बहुत
लाइट वेट है तो आपको बिल्कुल भी समझ में ऐसा नहीं लगेगा कि अरे आप ये क्या लगा रहे हो तामझाम। इसको मैंने अपने पूरे फेस पे नहीं लगाया, सिर्फ जहां जहां पर भी मुझे एक्टिव एक्नेस है मैंने वहां पर लगा दिया है। तो AHA BHA एक तरह का केमिकल एक्सफोलिएशन होता है, तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, तो आपकी जो भी डेड स्किन है उसको हटाता है, जो न्यू स्किन आती है वो आपकी काफी फ्रेश सॉफ्ट एंड अच्छी आती है। अब ऑलरेडी मुझे जैसे 2 से 5 मिनट के बीच में ये पूरा ड्राइड अप हो जाएगा, और जैसे ही ड्राइड अप हो जाएगा तो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ ये कोजिक एसिड क्रीम। बेसिकली दिस इज फॉर पिगमेंटेशन। जनरली एक्ने प्रोन स्किन वालों को जो एक्ने मार्क्स होते हैं वो छोड़ करके जाता ही जाता है, एंड पिगमेंटेशन होता है लाइक यू कैन सी हियर। यूजुअली मैं अपने पूरे फेस पर ही लगा लेती हूँ, लाइक इफेक्टेड एरियाज पे तो लगाती हूँ लाइक, और पूरे फेस पे लगा देती हूँ। तो इसको मैं मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम लगाती हूँ। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, ये क्या करता है कि आपकी जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, जिसकी वजह से आपके पिगमेंटेशन हटते हैं, और जो आपकी न्यू स्किन आती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एंड हेल्दी आती है। इसके अंदर स्टेबलाइज्ड विटामिन सी है, तो मैं मॉर्निंग में भी लगाती हूँ और इसको मैं नाइट में भी लगाती हूँ। एंड उसके ऊपर फिर मैं लगाती हूँ ये वाला सनस्क्रीन। आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन दीज डेज क्योंकि मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, गैस के सामने बहुत देर तक खड़ी रहती हूँ, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप भले ही घर में रह रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपके यहाँ वाईफाई चलता है, बहुत सारी रेज हमारे घर में भी रहती है, तो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन अपने स्किन पर लगा के रखो। तो यहाँ पर मैं यूज करती हूँ ये वाला सनस्क्रीन, दिस इज प्योर जिंक मैट सनस्क्रीन। ये क्लेम करता है कि ये ऑर्गेनिक सनस्क्रीन है, साथ ही साथ इसमें 100% नेचुरल जिंक ऑक्साइड है, एंड ये SPF 30 है और PA++ का प्रोटेक्शन देता है, मतलब ये UVA UVB जितने भी तरह के रेज होते हैं उन सबसे प्रोटेक्शन देता है। बहुत लाइट वेट इसका कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में है, बट ये है बिल्कुल जेल, तो आपको इसको लगाना होता है। मैं रात में भी लगाती हूँ, रात में भी आप लगा के सो सकते हो, और आप सुबह तो लगाओ सनस्क्रीन तो स्किप ही नहीं करना है, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपको ये व्हाइट कास्ट देगा आपकी स्किन पे, लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा मेरे फेस पे, इसने हल्का सा व्हाइट कास्ट दे दिया आपको मेरे नेक से, और इससे पता चलेगा, बट विद इन हाफ एन आवर में ये पूरा सेटल डाउन हो जाएगा और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग यू नो आपकी स्किन जैसा लगने लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कल सुबह सो गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 10:15, ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन ठीक है, इसने अभी अभी एक बहुत शानदार डायलॉग मारा। फिर से डायलॉग मारिए बेटा प्लीज, नहीं एक बार फिर से मारिए डायलॉग। अपने उपभोक्ताओं को जानने का मौका तो दीजिए कि आपके लिए नींद टूटना सोना चोरी होने जितना बराबर है। हाँ क्या बोला था, फिर से बोलो। बीच में नींद नहीं टूटना चाहिए मेरी। हाँ नींद बीच में। विक्की ने आज क्या किया, मुझे हमारा डील हुआ था कि हम लोग सुबह, विक्की ने बोला कि 8 बजे उठाएगा मुझे। 8 बजे विक्की ने मुझे उठा, हमारा डील हुआ था कि 8 बजे उठना है, तो विक्की 7 बजे से पोहे बनाने के लिए, 7 बजे नहीं 7:30 नहीं 7:30 तो मैंने आपको आवाज लगा के बोला कि भैया ये क्या खटर फटर कर रहे हो, ठीक है 7 बजे, और वो भी करछी इस तरह से चलाता है कि पूरी दुनिया हिल जाए, तो मेरी नींद कच्ची टूट गई। मेरी नींद कच्ची टूटना मतलब ऐसा होता है कि अब मैं किसी काम की नहीं रहेगी, दिन भर मुझे नींद आती रहेगी। अगर बोला है टाइम पे मेरा अलार्म बज रहा था तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी, अभी मेंटली मेरा सब टूट गया। 8 बजे से 7:30 बजे सब कुछ टूट गया, तो मुझे नींद नहीं आई, और ये उस टाइम भी उठी नहीं 8 बजे। ए उठ के बैठ के बिस्किट खा रही थी, देखा मैंने, मेरे को लेक्चर भेजे इन्होंने, फोटो स्क्रीनशॉट भेजे मोबाइल पे कि व्हाई स्लीपिंग इज इंपॉर्टेंट, हाउ स्लीपिंग कैन इंप्रूव रिलेशनशिप, और सब भेजा मैंने विक्की को कि मेरे को नींद पूरी होने दिया करो, नहीं तो मैं विक्की को भी बोल रही थी मुझे उठाने आया, तो मैंने बोला कि देखो मेरे लिए नींद टूटना मतलब सोना चोरी हो जाता है किसी लेडी के लिए, इतनी बड़ी चीज, भगवान सोना नहीं हो गया, सोना ही हो गया है। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, एंड देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं अपने बिगड़े हुए बाल ठीक करवा रहा हूँ विनी से, क्योंकि मैंने नया ट्रिमर खरीदी है। नहीं विक्की को ये जो पुराना बार्बर था ये इतना पसंद आया था, नहीं, कि नहीं पसंद आया। अरे इतना पसंद आया था, लास्ट टाइम करवा रहा हूं, लास्ट टाइम पहले भी यही बोला था कि मैं लास्ट टाइम करवा रहा हूँ, बट अभी देखो आप लोग खुद प्रूव हो कि फिर से मेरे से बाल कटवा रहा है विक्की, स्टेप्स में बाल काटे अभी भी पीछे हाथ लगा तो ये तो स्टेप्स है। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से बड़े हैं, ठीक है ये है, एक सेकंड लुक एट दिस, दिख रहा है ऐसे करो नीचे करो
ये दिख रहे हैं आपको वेव्स, 1 2 3। सक्सेसफुल हेयरकट हुआ है इस बार। ये है हमारे बर्ड्स के लिए पानी और ये रोटियां रखी हुई है, यहाँ पर रखते हैं तो वो बर्ड्स वगैरह आकर के बढ़िया खाती हैं, बैठती हैं ऐसा। हाय गाइस, तो मैं एक्चुअली दिन के बाद, मतलब जब मैं शार लेने के लिए जा रही थी उसके बाद डायरेक्टली अब मिल रही हूँ, अब शाम हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं दिन में शूट करूँगी व्लॉग, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी और मैंने आज जो वीडियो एडिट किया उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। जनरली होता है ना कि आपको 2 घंटे तो मिनिमम लगते ही हैं, आप चाहे व्लॉग एडिट कर रहे हो चाहे आप नॉर्मल वीडियो एडिट कर रहे हो, 2 से 3 घंटे इट्स मिनिमम। मतलब जैसे मैं नॉर्मल व्लॉग बनाती हूँ ना तो उसमें मुझे 2-3 घंटा लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसा वीडियो बना रही हूँ जैसे पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ, उसमें मुझे टाइटल्स भी डालना है, उसमें मुझे ये भी करना है वो भी करना है, उसमें टाइम लग जाता है, म्यूजिक भी डालना है, सब चीज़ें। तो व्लॉग में जनरली 2-2.5 घंटा लगता है, 2 से 3 घंटा मिनिमम लगता है, फिर 1 घंटा उसको एक्सपोर्ट होने में लगता है, आधा घंटा, तो पूरा 5 घंटे का आप समझ लो कि लंबा प्रोसेस है। एंड देन आधा घंटा मुझे थंबनेल बनाने में लगता है, थंबनेल सोचने में और बनाने में लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली थंबनेल क्रिएट करती हूँ, तो यू नो ऐसा पूरा प्रोसेस है। तो आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैंने नहीं तो सोचा था कि मैं भी शाम को व्लॉग भी करती हूँ, कुछ इसमें इंक्लूड करती है, एंड देन मुझे अभी Q&A वीडियो शूट करना है। Q&A वीडियो मेरा बहुत दिन से पेंडिंग है और Q&A वीडियो के लिए ना मुझे टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसमें मैं देती हूँ आंसर्स और मेरे को ना उसमें एकदम प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। ओके, तो मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ, आज मैंने क्या पहना हुआ है। ये है मेरा ड्रेस, आप लोगों ने देखा हुआ है आई थिंक, ये भी बहुत अच्छा कॉटन का कॉटन है, पता नहीं क्या है, पर ये बहुत पतला सा है, लाइट वेट है, लूज लूज सा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गर्मी में पहनने के लिए। तो एक ड्रेस मैंने ये निकाला हुआ है और क्या, अभी मैं थोड़ा सा अपना कुछ पर्सनल हो करूँगी, रेडी होंगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं आपको अभी टाइम दिखाती हूँ, ऊपर टाइम देखिए। तो विक्की को एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया है, उसकी अभी जस्ट कॉल ख़त्म हुई है और उससे मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो उसने मुझे बोला कि भी 1-1.5 घंटा और लग सकता है। तो आई थॉट कि लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और मैं फालतू में सीरीज़ वगैरह देखूंगी, टाइम वेस्ट करूंगी, तो इससे बेटर है कि मैं Q&A शूट कर लेती हूँ। तो अब मैं Q&A शूट करने बैठ गई।
मैंने ना इस क्यू एन ए में कम से कम कोशिश किया है कि मैं बहुत सारे आंसर्स दे दूँ सब लोगों के, एंड उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया है, अच्छा खासा लंबा वीडियो होने वाला है. और आज मैंने खाने में बनाया था कुछ भी, मैंने कल से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, कल भी मैंने दिन भर कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, एंड आज भी मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है. और आज मैंने बनाया था सिंपल दाल चावल और मैंने रबड़ी बनाई थी. तो रबड़ी तो बहुत ईजी होती है, उसका मैं वीडियो क्या शूट करूँ, उसको बस आप दूध उबालते जाओ उबालते जाओ उबालते जाओ उबालते जाओ एंड लास्ट में शक्कर मिला दो और थोड़ा सा पिस्ता विस्ता एंड ऑल, लच्छेदार आपको बनानी रहती है तो उसकी मलाई आप साइड में करते जाओ. बहुत सिंपल होती है, मतलब मैं बचपन से रबड़ी बहुत खाती आ रही हूँ, मेरे पापा रबड़ी बनाते थे घर पे, तो मेरा काफ़ी दिन से मन हो रहा था रबड़ी खाने का. तो आज रबड़ी खाई है हम लोगों ने और दाल चावल खाए, दैट्स इट. और अब मैं ये फटाक से चेहरा, हाँ तो मैं उसका वीडियो यहाँ पे डाल दूंगी, बहुत टेस्टी बनी थी, ट्राई ज़रूर करना अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो. हालांकि 2 किलो दूध की, मतलब 2 पैकेट जो दूध होते हैं 1-1 किलो के, वो इतना दूध इतना सा हो गया था और सिर्फ इतनी इतनी सी रबड़ी खाई है हम लोगों ने. सो यस, मस्त बनी है, मार्केट टाइप की बिल्कुल फीलिंग आ रही है, लेकिन अपनी ताजी है ना तो इसलिए और अच्छी लग रही है. मार्केट वाइज कड़क रहती है, एकदम फ्रेश है, बहुत अच्छी है. गाइस, तो अभी तक आपने जो व्लॉग देखा उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है और आप लोगों से आज कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ मैं. आज कुछ 2-3 हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए. सो बेसिकली आज सुबह की बात है, सुबह हमारे यहाँ जो बर्तन वाली आंटी हमारे यहाँ जो काम करती हैं, जो हमारे हाउस हेल्प करती हैं, जो भी पूरा, उनका मेरे पास कॉल आया. वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो आंटी लोग हैं ये लोग दूसरे जगह से आई हैं, मतलब एक गांव से आई हैं, तो हम लोगों को ये लग रहा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग जा चुके होंगे अब तक तो, ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम्स है और उनका बहुत सारे इश्यूज हैं उनके पर्सनल भी, तो वो सब हमको पता थे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जा चुकी हैं. बट आज उनके पास कॉल आया एंड शी वॉज लाइक कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, बच्चा एंड ऑल दैट, ये सब. तो वो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा. देन उसी टाइम मैंने बोला कि आप आ सकते हो नीचे, तो मेरे कॉलोनी में नीचे आ जाओ. तो जो उनका 1 महीने का पेमेंट है हम लोगों ने उनको वो दिया, साथ में सैनिटाइजर्स दिए, कुछ खाने का थोड़ा बहुत सामान भी दिया. और जब मैं नीचे गई और मैंने उनसे पूछा कि आपको, आपने और लोगों से पूछा कि नहीं पूछा, तो बोलती मैंने सबको फ़ोन करा बट नो वन इज़ गिविंग मी, मतलब कोई भी उनको पैसा नहीं दे रहा है. कब तक मैं करूँगी? सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आप लोगों के भी हाउस हेल्प्स हैं, आप खुद उनको कॉल करके पूछें कि वो किस सिचुएशन में है, क्या उनको ज़रूरत है आपकी. आप पैसा नहीं दे सकते तो आप खाने का आइटम उनको दे सकते हैं एटलीस्ट, मतलब खाने का सामान खरीद के दे दो, मतलब आटा दाल चावल, ये जो मेन बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ये आप कहीं से भी खरीद लीजिए. और 1 महीने में अगर किसी एक इंसान के घर पे 2000 रुपये का राशन आप दे रहे हो तो कोई गलत चीज़ नहीं है. ऐसा नहीं कि 100 लोगों के लिए करो, अगर आपकी क्षमता है तो आप ज़रूर करिए, लेकिन एक की तो करो. जो अगर आप अपने हाउस हेल्प जिनको आप मानते हो और वो आपके यहाँ पर पहले काम करते थे, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस स्थिति में हैं तो उनकी हेल्प करना आपका फ़र्ज़ बनता है. और प्लीज़ करिए, मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल. मतलब ये चीज़ हम लोग कभी शेयर नहीं करते कि हम लोग क्या क्या हेल्प करते हैं नॉल. हमारे जो वॉचमैन वगैरह हैं उनको तो हम हर कभी, मतलब मैं आटा का पैकेट ला करके, आप कैश मत दो, मैं तो बोलती हूँ आपको ऐसा लगता है कैश देना थोड़ा वो है, तो आप सामान लेके आके, हम पास में ही गए थे वहाँ पर, हमको एक आदमी और दिख गया, मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे वो रो देगा अपने बच्चों के लिए. मुझे नहीं पता वो मेरे हाथ में जो अमाउंट था मैंने विक्की को बोला ये दे दो यार इसको, मतलब ऐसा अंदर से आत्मा रोती नहीं है, वैसी वाली सिचुएशन हो रही थी. और फिर वो उसने एक और से किसी से लिया और वो चला गया, मतलब वो देख करके हम लोगों को आज बहुत बुरा लग रहा था. तो इस टाइम पे अगर आप किसी की मदद करोगे तो इट विल बी अ गुड थिंग, नॉट ओनली फॉर यू बट बोलते ना थोड़े थोड़ा पॉजिटिव करने से बहुत सारा पॉजिटिव हो जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग, यू शुड बी डूइंग दैट. एंड आई रियली अप्रिशिएट जो भी अभी तक करते आ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट. हाँ, फोटोज़ वगैरह मत लीजिए, वीडियोज़ वगैरह मत लीजिए, अच्छा काम करते रहिए, खुश रहिए, घर के अंदर रहिए, अच्छा खाइए. और आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.